हेलो शार्क्स, मेरा नाम है श्रेयांस। मेरा नाम नंदनी है और हम दोनों सूरत से हैं। शार्क्स, पूरी दुनिया को कॉटन शर्ट्स पहनना बहुत पसंद है। ये कंफर्टेबल भी होते हैं और दिखते भी अच्छे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, वन पेयर ऑफ कॉटन क्लोथिंग बनाने में 9000 लीटर फ्रेश वाटर लगता है। और जितने भी हम सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, जैसे कि पॉलिएस्टर और नायलॉन से बने हुए, वो क्रूड ऑयल से बनते हैं और प्लास्टिक की तरह ही नॉन बायोडिग्रेडेबल। यही नहीं, हर बार जब हम ये वॉश करते हैं तो ये माइक्रोप्लास्टिक्स पानी में रिलीज करते हैं और ये ओशन माइक्रोप्लास्टिक का सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है। और एक प्रॉब्लम भी है जिसके बारे में आप सबको पता है, वो है एग्रीकल्चर वेस्ट बर्निंग। एग्रीकल्चरल वेस्ट बर्निंग और टेक्सटाइल पॉल्यूशन का एक सोल्यूशन है कैनवा लूप। कैनवा लूप एक बायो मटेरियल साइंस कंपनी है जो एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे हेम्प, बनाना, ऑयल सीड्स के स्टेम्स एंड पाइनएप्पल लीव्स को कन्वर्ट करके टेक्सटाइल फाइबर्स एंड यार्न्स बनाती है यूजिंग आर जीरो वेस्ट प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। हम हमारे फाइबर्स कॉटन और कन्वेंशनल पॉलिएस्टर के मुकाबले 99% लेस वाटर यूज करते हैं, 87% लेस कार्बन एमिशंस करते हैं और 82% लेस एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। हम इस इको फाइबर प्रोडक्शन के इंडिया में पायनियर्स हैं और आज हम हर महीने 200 टन एग्रीकल्चर वेस्ट को 40 टन टेक्सटाइल ग्रेड फाइबर्स में कन्वर्ट करते हैं। हमारे फाइबर्स से बने फैब्रिक्स सिर्फ एथिकल और सस्टेनेबल ही नहीं बल्कि फंक्शनली सुपीरियर भी है। ये फैब्रिक्स नेचुरली एंटी यूवी, एंटी माइक्रोबियल, ब्रीदेबल एंड अडैप्टेबल टू वेदर है। ये फाइबर्स एंड यार्न्स का यूज करके ग्लोबल फैशन ब्रांड्स ने ऑलरेडी काफी कलेक्शंस लॉन्च किए हैं, इंक्लूडिंग डेनिम्स, शर्ट्स, कारपेट्स एंड साड़ीज। हमने टेक्सटाइल पॉल्यूशन के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है और हमारा विजन है कि 10 करोड़ टन जो एनुअल टेक्सटाइल फाइबर कंजम्पशन है, उसका 0.1% भी हम एग्री वेस्ट बेस्ड फाइबर पे कन्वर्ट कर पाए तो हम एक बड़ा बदलाव ला पाएंगे। इसके लिए हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 1.33% इक्विटी। तो शार्क्स, लेट्स चेंज द फाइबर ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टुगेदर। वेलकम श्रेयस, नंदिनी टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 3। थैंक यू। आप कैसे मिले और क्यों आपने ये मकसद पकड़ा? बिकॉज़ इट इज अ बिग हेवी पर्पस। सो माय प्राइमरी एजुकेशन पूरा फाइनेंस में है। आई वाज वर्किंग इन बार्क्लेज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फिर मैं मास्टर्स करने US गया था। वहां पे फर्स्ट टाइम जाके रियलाइज हुआ कि ये एक प्रॉब्लम है। माय फैमिली इज इन टेक्सटाइल्स, बट ये कभी रियलाइजेशन नहीं था। उधर जाके ये रियलाइजेशन आया और कॉलेज में ही हमने इसको एज अ प्रोजेक्ट परस्यू किया और ये जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। वी हैड मेट फॉर getting married. It was an arranged marriage setup. Yeah. अरे वाह, आप भी सूरत की हैं? No, I'm from Patna, Bihar. अच्छा. Then I was pursuing MBA when I met him. तो जब मैं इनसे मिली तो मेरा पढ़ाई और इनका गोल अलाइन हुआ, so I joined Canva Loop as director of marketing and PR when we met for getting married. And since then we've been working together. तो अभी roles क्या हैं आपके? I handle the sales, the fundraise and the product development. She handles the digital marketing PR. And then we have another co-founder who's not here. He handles the manufacturing. Why is he not here? वहाँ हमारा भी एक order चल रहा है। उधर एक रहना जरूरी था किसी को, otherwise थोड़ा compromise हो जाता। तो आपने pitch में बताया कि hemp, banana, pineapple leaves, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि as an industry practice, कौन सा raw material या natural product matches what? फिनिश प्रोडक्ट और क्या बेचते हैं एक्चुअली? सो बेसिकली हम फाइबर्स एंड यार्न्स बेचते हैं, हम फाइनल फैब्रिक्स और गारमेंट्स नहीं बनाते हैं। ओके, गॉट इट। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ इट, हेम्प लूप, फ्लैक्स लूप, जो भी बेसिकली स्टेम पोर्शन से निकले हैं प्लांट के, दे आर सूटेबल फॉर ऑल पर्पसेस। आप उनसे साड़ीज बनाइए, आप उनसे जो मैंने ब्लेजर पहना है, शर्ट पहना है, बॉटम पहना है, ये सब हेम्प लूप, फ्लैक्स लूप, इन सब से बना है। सो एक्सेप्ट फॉर इंटीमेट वेयर, उसका रीजन सिर्फ यही है कि इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट फीलिंग ऑन द बॉडी। तो इंटीमेट वेयर में लोग पसंद नहीं करते हैं कि उनकी फील चेंज हो जाए। इट्स अ कोर्सर फीलिंग, थोड़ा ज्यादा रफ फीलिंग है क्या बॉडी पे? जैसे आप लिनन का फीलिंग आता है ना, लिनन वाली फीलिंग, सॉफ्टर देन लिनन, समवेयर बिटवीन कॉटन एंड लिनन। अच्छा, पाइनएप्पल इज द ओनली प्लेस वेयर वी डू लीव्स, एवरीथिंग एल्स इज द स्टेम। द रीजन फॉर अस डूइंग पाइन लूप is it's a proper silk replacement. Very interesting. banana stem aap dikha sakte hain thoda? I think these are the fibers, then these are the yarns made from these fibers aur wahan pe fabric swatches hain. Very nice. This is the silk of mine. Radhika, it's a little bit coarser.
आपको फाइबर में शाइन दिखेगी तो आपको वहाँ भी शाइन दिखेगी। हाँ, इसमें यार्न में ही शाइन, फाइबर में ही शाइन है। ये लीवाइस की जीन्स है। हाँ। Yes, sir. इसमें ये तो नॉर्मल जीन्स है या ये भी? इसमें सर 20% हमारा फाइबर है। आपने दिया है? हाँ, हमारे सूरत, yes. हमारे यूनिट से। सूरत टू लीवाइस? यस। नॉट बैड यार। लीवाइस इंडिया, दिस इज लीवाइस यूएस। पूरे वर्ल्ड में लीवाइस लाइक वन ऑफ द बेस्ट जीन्स कंपनी, ऐसा क्यों आपसे लिया? आज के डेट में हमारे जैसे और दो ही कंपनी है दुनिया में, वर्ल्ड में, वर्ल्ड में, इंडिया में, इंडिया में एक है, एक हम है और एक जेनक्रेस्ट करके कंपनी है और बाकी एक और बची, एक है यूएस बेस्ड कंपनी सर्कुलर सिस्टम्स। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ, गुड जॉब, थैंक यू सो मच। इस पे जैसे आपने कहा सब शुरू किया था आपने कि 99% लेस वाटर, 87% लेस कार्बन है, डेफिनेटली अगर हम लोग एनवायरमेंट के हिसाब से लेंगे तो ये काफी इम्पैक्टिंग चीज होगी, बट ये किसी ना किसी प्राइस पे आएगा और वो प्राइस कस्टमर को देना पड़ेगा। करेक्ट। तो वो जो जीन्स है लेवाइस की, नॉर्मल में जीन्स लूंगा तो उसका क्या प्राइस पड़ेगा और आपके यहाँ से बने हुए प्रोडक्ट्स होंगे उनका प्राइस, तो प्राइस टू प्राइस क्या डिफरेंस होगा वो बताएंगे जो कस्टमर को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो एक कॉटन डेनिम का लेवाइस का परचेजिंग कॉस्ट अराउंड 350 रुपीज पर डेनिम होगा, एक एवरेज कॉटन डेनिम का। हाँ। हमारे फाइबर्स से ब्लेंडेड डेनिम्स वो अगर खरीदते हैं तो अराउंड 390 के आसपास उनको प्राइस बैठेगा। और ये प्राइस कस्टमर को कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है। हाँ, अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट कोई भी ब्रांड अगर इसको लॉन्च करता है तो डबल प्राइस करता है, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न अ प्रीमियम ब्रांड, क्योंकि उसके पीछे एक पूरी मार्केटिंग कैंपेन चलाता है, तो वो ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे अभी लॉन्च करता है। और आपका प्योर फाइबर का क्या कॉस्ट होगा? प्योर फाइबर हमारा मैम 20% हमारा प्योर फाइबर 350 रुपीज पर किलोग्राम से अभी स्टार्ट होता है। उसके सामने कॉटन का रेफरेंस है अराउंड 180 to 200 rupees अकेले, 2x का कॉस्ट ऑफ कॉटन। अच्छा, साड़ी का बताइए, जो आपके नॉन स्टेम लीव्स वाले हैं जिसमें जैसे आप प्योर साड़ी बना सकते हैं, मुझे कॉस्ट का डिफरेंस बताइए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वर्सेस आपका दूसरा, क्योंकि आपने वेस्ट की इतनी क्लेम्स दी हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, मुझे थोड़ा आपका प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में जानना है। सो हमारा पाइन लूप है 2500 rupees पर किलोग्राम, उसके सामने आप रॉ सिल्क या कोई भी प्योर सिल्क लेंगे तो इट विल स्टार्ट एट 5500 rupees अ किलोग्राम, सो इन दैट सेगमेंट वी आर एक्चुअली चीपर। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं हमारे प्रोसेस पे, प्रोसेस एक्चुअली फील्ड से स्टार्ट होता है, हम फार्मर्स को एक सेपरेशन मशीन या क्रशिंग मशीन देते हैं जिसके थ्रू वो एग्री वेस्ट पास करते हैं, इस तरीके से एग्री वेस्ट हमारी फैक्ट्री में आता है, फिर उसके बाद फर्स्ट प्रोसेस होता है बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस में हम टेक्निकली क्या करते हैं, वेस्ट को आप अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो उसमें सेल्युलोज, लिग्निन, पेक्टिन और बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं जो वो वैक्स से बाउंड है, तो बायोकेमिकल प्रोसेस वो वैक्स को डिसॉल्व कर देता है और वो वैक्स डिसॉल्व होने के वजह से वो इम्प्योरिटीज उसमें निकल जाती है, सिर्फ सेल्युलोज और लिग्निन फाइबर स्ट्रैंड में रह जाते हैं। एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि एक टैंक में ये बायोकेमिकल ट्रीटेड फाइबर डाला जाता है और एंजाइम्स हमारे पास इनहाउस फॉर्मुलेटेड एक्टिव एंजाइम्स हैं जो उसके सरफेस को खा जाते हैं और वो जो सिर्फ अंदर प्योर सेल्यूलोज और लिग्निन बचा है वो बचा रह जाए। इसके बाद जाता है हमारा एक लॉन्ग मैकेनिकल ट्रीटमेंट है, उस मैकेनिकल ट्रीटमेंट का एक ही पर्पस है कि अब लोग कॉटन यूज कर रहे हैं और पूरी सप्लाई चेन कॉटन के हिसाब से बन गई है, तो हमारे प्रोडक्ट की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉटन की तरह हो जाए ताकि वो पूरे सप्लाई चेन में कॉटन जो यूज करता है वो यूज कर पाए। एनर्जी क्या है इस प्रोसेस में? एनर्जी यूजेज इज दो है, एक हीटिंग, हीटिंग में भी हम अपने ही वेस्ट का ब्रिकेट बना के एज बायोफ्यूल यूज करते हैं, राइट। सेकेंडली है वाटर, वाटर भी हम 80% लाइक पर किलोग्राम हम 10 liters वाटर यूज करते हैं, उसमें से भी हम 80% रिसाइकल बैक करके अपने प्रोसेस में वापस यूज करते हैं, जो 20% बच गया वो एक्चुअली इवेपोरेट हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, नहीं तो हम उसे भी तो वो तो वापस आ जाता है जमीन पे बारिश के तौर। हाँ, उसके अलावा एक इलेक्ट्रिसिटी है जिसको अभी तक हम ग्रिड से ही लेते हैं, इवेंचुअली एट स्केल वी कैन टेक दैट फ्रॉम सोलर एज वेल। वेरी गुड, थैंक यू। मेरे को जल्दी से 3 numbers बता दे, आई एम इंटरेस्टेड। हाँ, सेल का क्या हाल है, कैप टेबल कैसा है और फंडिंग स्टेटस क्या है? लास्ट मंथ हमने 1.2 crores का फाइबर सेल किया है, उसके पिछले मंथ 1 crore था, एंड लाइक वी हैव बीन इंक्रीजिंग सिंस देन।
फाइनेंशियल्स में ईयरली भी बता दीजिए, लास्ट ईयर का कितना था, उसके पिछले लास्ट ईयर वी क्लोज्ड एट 3.2 क्रोर्स, दिस ईयर 7 क्रोर्स हमारा फेब तक हो गया, मार्च के मंथ में हम अराउंड 1.2 क्रोर्स पे क्लोज करेंगे, तो अराउंड 8 क्रोर्स पे हम ये साल क्लोज करेंगे। हम लास्ट तीनों साल से हम एबिटा पॉजिटिव हैं। मार्जिन करंट हमारा 27% एबिटा है, लास्ट ईयर अराउंड 12% था क्योंकि हमारा प्रोडक्शन स्केल कम था। नेक्स्ट ईयर का क्या टारगेट है? नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास 18 करोड़ रुपीस का ऑलरेडी परचेज ऑर्डर है। क्या? 1.5 करोड़ पर मंथ फ्रॉम अप्रैल टू नेक्स्ट मार्च हमारे पास परचेज ऑर्डर है फ्रॉम टू ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज, वन इज सिंटेक्स इंडस्ट्रीज विच इज ओन्ड बाय रिलायंस एंड द सेकेंड इज अवंती पीटी विच इज अ सोर्सिंग हाउस बेस्ड आउट ऑफ सिंगापुर। वेरी नाइस, वंडरफुल, वेरी गुड ब्रो। और कितना बड़ा बिजनेस बन सकता? हम 10 करोड़ टन कंजम्पशन है फाइबर का टेक्सटाइल पर्पस के लिए एनुअल, उसका 0.1% होता है 1 लाख टन, वो हमारा टारगेट है कि हम नेक्स्ट 5 इयर्स में वहां तक पहुंचे। वैल्यू टर्म्स में कितना होता है? वैल्यू टर्म्स में वो 2000 करोड़ होता है। आपका बिजनेस 2000 करोड़ बनेगा? हाँ। वेरी गुड। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन था मेरा कैप टेबल फंडिंग। हाँ, सो हमने 2 राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग रेज की है। फर्स्ट राउंड हमने अगस्त 2021 में रेज किया था, 1.5 करोड़ का प्री सीड राउंड फ्रॉम थिया वेंचर्स एंड टाटा सोशल अल्फा, प्री मनी वैल्यूएशन ऑफ 10 करोड़। हमने अगस्त में एक ब्रिज राउंड रेज किया है फ्रॉम आर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एंड अ कपल ऑफ एंजल्स, अगस्त 23, जिसका पर्पस टू गेट ऑल द सर्टिफिकेशंस। ये सब जो मैम नंबर्स और क्लेम्स हम कर रहे हैं ये सब हमने थर्ड पार्टी से जब वेरीफाई किया तब जाके ब्रांड ने हमसे बल्क में वो लेना स्टार्ट किया। वो हमने 1.1 करोड़ ही रेज किया था क्योंकि हमें उतना ही अमाउंट ऑफ मनी चाहिए था टू सर्व दैट स्पेसिफिक पर्पस, उसको हमने विद अ फ्लोर ऑफ 25 करोड़ रेज किया। कैप ऑफ 30 क्रोर्स। आपका जो पर्पस है वो है एग्री वेस्ट एंड उसको इफेक्टिवली यूज करना है। आपने कितने फार्मर्स और फार्म लैंड के साथ टाई अप किया है? आप कितने और फार्मर्स को इम्पैक्ट करेंगे? What part of India do they come from? At the moment 60% agri waste import करते हैं और 40% के लिए हमने यहाँ पे जो existing farmer clusters हैं FPOs जिनको बोलते हैं जो government of India ने बनाए हैं उनको टैप इन करते हैं। वो अभी हमारे 9 क्लस्टर जैसे इंडिया में एक्टिव है, साउथ गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश, दीज आर द 4 स्टेट्स जहाँ पे ये एक्टिव है अभी। राइट नाउ इट्स 60% इंपोर्ट, 40% इन इंडिया। 3 साल में व्हाट आर यू थिंकिंग? 3 साल में हम 100% इंडियन कर देंगे, यही हम फार्मर क्लस्टर्स बढ़ा बढ़ा के, दैट्स द ओनली वे वी कैन डू इट। वेल डन। बिकॉज़ यू यूज एग्री वेस्ट, क्या सप्लाई में कंस्ट्रेंट है? 10 से 15 करोड़ टन वेस्ट हर साल जलाया जाता है सिर्फ इंडिया में और ये डॉक्यूमेंटेड फिगर है, सो एक्चुअल फिगर तो मच लार्जर होगा। और यही कैटेगरीज पाइनएप्पल, बनाना, हेम्प? हाँ, स्टेम कैटेगरीज। आपका पिछले साल जैसे आपने बताया 12% का मार्जिन था, इस बार 27 का गया, तो ये इंक्रीज क्यों हुआ? मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है जिसका 15 लाख पर मंथ एक फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, राइट। तो अब मैं 1 करोड़ का मटेरियल अब अगर इस महीने में प्रोड्यूस करता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली एबिटा बढ़ जाता है, मेरा ग्रॉस मार्जिन विल ऑलवेज रिमेन द सेम। तो अगले साल जब आप 18 करोड़ का माल, आप कह रहे हैं आपके पास ऑर्डर है, तो आपको क्या लगता है ये 31-32% के बीच में इवन फर्दर हमारा बढ़ेगा नंबर? हाँ। मतलब ठीक है, तो मेरा भी आपके लिए एक ऑफर होगा, बट आई थिंक पहले क्यों मैं अमन और नमिता आपको ऑफर देंगे, नमिता ऑफर देगी हमारे बिहाफ। हमारा ऑफर इस पे कंडीशनल है कि आपने जो विजन बताया, हाँ, कि मूविंग फ्रॉम 60% इंपोर्ट्स टू 100% विद इन इंडिया, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। करेक्ट, राइट। सो आवर ऑफर इज वी वुड लाइक टू गिव यू 1 करोड़ बट फॉर 3%, ताकि हमारे पास कुछ तो सब्सटेंशियल हो, 1-1%। एंड आई थिंक हम तीनों मिलके बहुत कलेक्टिव वैल्यू एड कर सकते हैं, बहुत सारा। तो मैं भी ऑफर देना चाहूंगा 1 करोड़ का बट फॉर ओनली 2%। आपका बिजनेस है नॉट जस्ट सेलिंग, आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी 40 टन्स है और आप बना रहे कितना? अभी हम 40 टन्स पे हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट पर टन? सो एक प्रोडक्शन लाइन इज ऑफ 20 टन्स, वन प्रोडक्शन लाइन इज 65-75 लाख। तो अगर आपको, आपने कहा यू वॉन्ट टू डू 1% ऑफ 10 करोड़, 0.1%, तो कितना लाख टन हो गया? 1 लाख टन। 1 लाख टन, तो कितना लगेगा? एकदम प्रिसाइज फिगर नहीं है मेरे यार, पास। आपको इतनी बड़ी कंपनी बनानी है, 1 लाख टन का कैपेसिटी का प्लांट डालना है, आपको ये नहीं पता है आपको कितने पैसे डालने? मैं स्टेप वाइज आपको बता सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम एक राउंड रेस कर रहे हैं, 10 करोड़ इक्विटी 5 करोड़ डेट। Where is that round? Which stage? हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स रीइन्वेस्ट करने वाले हैं। क्या वैल्यूएशन?
75. That's the exact valuation we have come here. अभी तो खाली जो existing investor है, they are investing 1 crore each. तो कितना हो गया वो? 2 crore अभी invest हो चुका है उसमें. Understood. अच्छा अभी आप बताइए capacity के बारे में और manufacturing. हाँ, so अभी हम 40 tons पे हैं, right? अभी हम ये 10 crore वाले fund से we are going to a 300 ton capacity. So वो 10 crore plus 5 crore एक capacity expansion में use होगा. और सेकेंडली एक हम और R&D कर रहे हैं विथ रिगार्ड्स टू मेकिंग द फाइबर इवन सॉफ्टर सो दैट इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इंटीमेट वेयर और थर्ड है एक मार्केटिंग एफर्ट के ऊपर जाएगा राइट right? आपकी बिग प्रॉब्लम आने वाली थी कि आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट वेरी वेरी क्विकली टू यू एज दिस नीश एरिया मेनस्ट्रीम होता जाता है द गेम इज अबाउट कौन कितनी जल्दी एग्जीक्यूशन करता है करेक्ट और प्लांट कैपेसिटी बढ़ा सकता है आज रिलायंस इस इंडस्ट्री में किंग कैसे बना By executing and becoming the largest in the world, right? तो उसके लिए capital की सख्त जरूरत पड़ती है। और आप इतना छोटा-छोटा capital round raise कर रहे हैं, that somewhere आप वो wave नहीं miss कर जाओ कि कोई आके सीधा 1 lakh ton की capacity लगा दे और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओ। सर देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। Climate tech companies ना generally they will never go 100x or 10x or 20x in a year, क्योंकि ये actual physical product farm से pick होगा। और एक्चुअल फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग होगी राइट सो माय स्केलिंग अप हैज टू हैपन स्टेप बाय स्टेप बिकॉज़ आई हैव टू मैच 3 things सोर्सिंग प्रोडक्शन एंड डिमांड तो आपके प्रोसेस में टाइम लगता है हां 3 of the things नीड टू मूव इन टैंडम सो हमारे हिसाब से 3x पर ईयर ग्रोथ इज द स्पीड वेयर वी वांट टू ग्रो एट अगर मैं 3x एवरी ईयर फ्रॉम द करंट क्वांटम ग्रो करता हूं तो मैं अगले 7 साल में 2000 करोड़ पे पहुंच जाता हूं एंड यही मेरा टारगेट I'll make you an offer. और उसको मैं अकेला ही करना चाहूँ because I think it's too little equity otherwise. मजा नहीं आएगा 1 crore for 1.5% हम आपको ना अपना ऑफर रिवाइज करते हैं तो करना ही पड़ेगा We don't want you to dilute too much. 1 crore, 1.5%. Three of us coming together. You get too many people who don't know anything about the industry. Oh, that's not true. That's not always true. A power of many. Azad, आप भी वो ऑफर मैच करेंगे क्या? हाँ, इनका ऑफर मैं मैच कर देता हूँ. चलो आप जल्दी पिक कीजिए अब. Can you give us our time? Just discussing that. Please go. Thank you. दोनों combine करो. Sorry? Combine करना है? हाँ, कर सकते हैं. आपके साथ तो अच्छा रहेगा. Slight change. Azhar and I will combine. You'll have 2 of us at 1.5%. Okay. ठीक है. तो हमारा एक counter offer है. Why can't we get all of you together? Aman, Namita, and Radhika ma'am can invest 1 crore at 1.5%, and you and Azhar sir can invest 1 crore at 1.5%. If you want that, we'll take 4%. Yeah. No. 1 second. You'll have to first decide between ourselves. What are we doing? Then only I'll say. Yes. Either we are together, are we together or not? Then that's the only deal. Then that's the only then deal. Then we are only that's the only deal. So now, since you wanted 5 sharks, the deal has unfortunately changed. Anupam is going to give you a revival. 2 crores for 4%. Think value, don't think valuation. This is your only offer. I think it's a good deal. Now you don't have any other offer. I think let's go the middle ground. Can we close at 3.5? But no. यार आप ही आधे परसेंट के लिए मत हैगल करो. अभी अभी वैल्यू नहीं है. मैं दो राउंड रेस करके इतना सीख गया हूँ कि नहीं होगा. हर हर परसेंट की वैल्यू है. चांस नहीं. So sharks, 2 crores for 4% equity from all the 5 sharks. ये deal done. Deal perfect. Good one, bro. You are getting nervous about 0.5%, you're not going to regret this. Good negotiation. Good job. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. I love you.